संतों पर अखिलेश का विवादित पोस्ट देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर तो आनंद, ये कहा है अखिलेश यादव ने। साधु संतों पर अखिलेश का विवादित बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाषा से असली संत महंत को पहचानिए। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि साधु वेश में जग में अनंत धूर्त घूम रहे अखिलेश यादव ने असली संत और महंत की पहचान भाषा से किए जाने की बात करते हुए लिखा कि दुनिया में साधु के वेश में कई सारे धूर्त घूमते रहते हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष ने कहा था जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता है, इसीलिए मठाधीश मुख्यमंत्री में संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव आज अपशब्दों से घबरा रहे हैं, अपशब्दों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। सच बात यह है कि जितने अपशब्द और हल्ला बोल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, राजनीति में उतना दूषित वातावरण किसी और राजनीतिक दल ने ये नहीं बनाया। लेकिन अखिलेश यादव जी को आज अपशब्द बुरे लग रहे हैं। सच बात यह है कि उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा और स्वयं उनके द्वारा कई बार भाषा की मर्यादा तोड़ी गई है और अपराध का खुला संरक्षण जिस तरह का रहा है, संगठित अपराध का खुला संरक्षण रहा है, रेप जैसी विभत्स घटनाओं पर भी लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस तरह की हल्की टिप्पणियां करते रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी को अब शब्दों पर बोलने का या नैतिक ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वो विपक्ष में है, वो आरोप सरकार पे लगाते हैं, लेकिन सरकार ही नहीं जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी माने गुंडों अपराधियों माफियाओं की पार्टी, आप लेकर के हम लोगों ने मजबूत तैयारी की है और अधिकतम सीटें जीतेंगे। तो साधु संतों पर अखिलेश यादव ने कहा भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। इसके बाद अखिलेश यादव पर लगातार पलटवार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला पोस्ट नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव इससे पहले भी कई और पोस्ट कर चुके हैं।